प्रिय गुरुजी, हिमाचल में अभी भी बलि प्रथा में आस्था है। उनके अनुसार यदि बलि नहीं दी जाती तो देवता प्रकोपित हो जाते हैं और अनहोनियां घटती हैं। ना 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 ना, एक गलत बात है, समझाना जरूरी है। बलि पशु की नहीं, पशु की नहीं बलि दिया जाएगा, पशुत्व की बलि देना। अब देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे भीतर जो पशुत्व है उसको बलि दो, मानवता जगाओ, अपने भीतर प्रेम जग जाए, चैतन्य जग जाए, या दैव शक्ति प्रसन्न होते हैं हमारे भीतर जब चेतना जागती है। जय गुरुदेव, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूँ और ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से क्या नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होता है, मन में प्रसन्नता आती है, चित्त प्रफुल्लित होता है, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है और लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छे हो जाते हैं, तनाव मिट जाते हैं, और क्या चाहिए? और इसके साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त करना तो ध्यान एक ही मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते आयना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से ही ईश्वरत्व के साथ मुलाकात हो सकती है। गुरुदेव, श्राद्ध पितरों को देते हैं, उसके पीछे क्या आस्था है? जो एक शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए खाना खिलाना, दान करना, उन तक पहुंचता है क्या? श्राद्ध माने जो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध है। जो चल बसे उनकी स्मृति में, ये दुनिया में हर जगह है, कोने कोने में, किसी भी देश में जाओ वहाँ पर जो पितृ है उनके लिए कुछ करते हैं वो। तो भारत में भी ये जो प्रथा है, जो गुजर गए उनके याद में कुछ अच्छा काम करना, क्यों, कुछ बच्चों को खाना खिलाओ, जानवरों को खदर करो, ये सब भी एक रिवाज या प्रथा बना रखे थे पुराने जमाने। उनकी याद में कुछ करना, देखिए याद करने भर में तृप्त नहीं होता मन, याद करके कुछ करने का मन करता है, तो श्राद्ध वही है। श्रद्धा से मैंने उनको याद किया और उनके स्मृति में लोगों को कुछ दिया। जब लोग खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, भूखे व्यक्ति को भोजन मिला उसकी आत्मा दुआ देगी आपको, वो दुआ जो मिलती है आपको वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी को कर्म कहते हैं, कलेक्टिव कर्म भी बोलते हैं, क्या, सामूहिक कर्म। मगर ये बहुत ही गहरी बात है, पूरा तो समझ में किसी को नहीं आता है, समझ में, तो इसलिए कृष्ण ने भी गीता में कह दिया ना कि गहना कर्मणोगति, कर्म की गति जो है बहुत गहरा है। हाँ, बस एक बात सही है, जीवन में सब कुछ कर्म नहीं है। लाइफ इज बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी। कैसे, 17 साल के, 18 साल के बाद या 20 साल के बाद तुम्हारा लंबाई बढ़ती नहीं, बढ़ती है क्या? तुम्हारा हाइट कितना है? 5'5" तुम्हारा हाइट है। अब 5'5" से 6'5" होना हो तो हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं, नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ता, मगर तुम्हारा वेट कितना है? 60। हाँ, ये 60-80 हो सकता है, होता है, 50 हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तो वेट को तुम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, मगर हाइट को तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से जीवन में दोनों है, कुछ चीजें हम कुछ नहीं कर सकते, इसी को कर्म कहते हैं, और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वो हमारा फ्री विल है। जैसे बारिश को तुम नहीं रोक सकते हो, मगर भीगना ना भीगना ये हमारा चॉइस है ना। बारिश में तुम छाता लेके जाओगे तो भीगोगे नहीं, वैसे जाओगे तो भीग जाओगे, सही।